माशाल्लाह जी, बाजी तैयार हो रही है। अस तैयार होके आ गए हैं जी। तैयार हो तो अभी तैयार हो रहे। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? क्योंकि मैंने तो चाय भी बनानी है, चाय बना के फिर हमने जाना है शादी में, तो जाहिर है ये काम भी तो मेरे जिम्मे है। मैंने कहा मैं साथ साथ तैयार होती रहती हूँ, साथ साथ जो उनसे ना ये कर लेती हूँ। लिपस्टिक तो दिन की लगी हुई है। चाय तो देख ले पहले। हाँ जी, चाय भी दिखाए बहन भाई, चाय भी दिखा रही है। और क्योंकि मैंने करना बिल्कुल लाइट सा मेकअप, बस ज्यादा नहीं जी। माशाल्लाह भाई, फिर हम तैयार कर रहे बाजी भाई, तुझ कर लेंदे जी? नहीं, मैं आज देखिया ना। फिर पार्लर हमारा घर का है, ये भी फायदा है, थोड़ा मोटा रहना, थोड़ा ये बारीक है। माशाल्लाह जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा अच्छा तैयार हुए सब। रहना बाजी भी, इकरा भी, मुनीब भी, कैक्षा भी। कैक्षा को मैंने कहा हाईनेक पहनो नीचे से, और कैक्षा तैयार होके आई है अपनी आपी से, साथ वाली जो आंटी बाजी है ना उनकी बेटी से। वे क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? बस जी, सब बस। फिर और इकरा ने क्या पहनना आज? अच्छा, शरारा पहनना हुआ है। कैक्षा ने, एक कैक्षा की ये साड़ी थी, फिर मैंने साड़ी काट के इसका ये वाला सूट बना दिया था। मैंने कहा लहंगा बना दिया था, मैंने कहा साड़ी बच्चों से संभाली नहीं जाती। दादा इसकी कह रही है कि मेरे पास साड़ी रखी हुई है, मैं कैक्षा की वो साड़ी भेजूंगी। सही है जी। माशाल्लाह ये जोड़ी आपको कैसी लग रही है बताइएगा हमें वीडियो में। और इधर कैक्षा भी बैठ चुकी है। मैंने तो कहा था कि नहीं, सिर्फ जोंजाना हरियाणा बाजी और नदीम भाई की मैंने वीडियो बनानी है भाई। जबरदस्त जबरदस्त, हरियाणा पंजाबन। हाँ जी पंजाबियों, की हाल चाल ने तुहाडे? ठीक ठाक हो? तबीयत सेहत कैसी है तुहाडी? एंड दे जदों तुसीं ना अल्लाह हाफिज करिया करो, क्या करो रब राखा, फिर मुलाकात होएगी जग जूंदियां दे मिले। पंजाबी हो के भी तुहानूं पंजाबी नहीं आंदी, मैं उर्दू स्पीकिंग हो के मैनूं फिर भी पंजाबी आंदी। नहीं भाई उस्ताद असीं क्यों है, क्योंकि पंजाबी दे वैसे तुसीं खुद साडे उस्ताद। नहीं, अल्लाह की बदौलत हो, अल्लाह की बदौलत हो। देखो बेशक अल्लाह ताला वसीला बनांदा, लेकिन अल्लाह भी कहंदा मेरे बंदे तू ही हिला कर वसीला मैं बनांगा, ठीक है ना। लेकिन तुसी अपनी मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत का फल एक दिन लाजमी चुकोगे। जेहड़े साडे पंजाबी भैन भाई ने देखने वाले तुहाडे नाल, ऑडियंस जेहड़ी साडी है खास कर, ओह तुहाडे नाल बहुत प्यार करती है, ते अल्लाह तुहानू खुश रखे, बाद रखे, ते एवें ही बन ठण के भाई नाल रिहा करो, ठीक है जी। सही हो गया, शादी का माहौल है तो मैं फिर चलो मेरे नाल तुसी भी हुण, जदों मैं जा रही हूं तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता कल्ले जांदे हो, तो फिर चलने आ वेखदे आ अगे की हुंदा है तो की नहीं। अल्लाह बच्ची दे नेक नसीब करे, आमीन। मैं आई हूं तंजीला, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? और बेटा अम्मी ठीक थी? छोटा मुन्ना कैसा है? वो अच्छा अच्छा तो कोई मोबाइल का काम रह गया वह? हाँ, वो थंबनेल बनाना सीखा। चले अच्छी बात है, जो बच्ची को समझ नहीं आता तो हम कहते हैं इधर आओ, आकर जो ना समझ जाया करो। तो चले करें मेहनत, मेहनत करोगे तो फल भी मिलेगा, ऐसे ही है ना। और टाइम भी दिया करो चैनल को। आपने चाय पी ली है? हाँ जी बाजी, चाय पी ली। कैसी थी चाय? चाय आज इतनी मजेदार थी। बस सामान तो मैं ही डाल के आई थी, लेकिन चूल्हे के पास मैं खड़ी नहीं थी, पता नहीं चला चाय कच्ची रह गई थी। चले कोई नहीं, यार गुजारा करे। चलो कोई बात नहीं, चले कोई नहीं। अच्छा जी, और बाजी बाजी पंजाबन, ये भी पंजाब, ये भी पंजाबन, ये भी पंजाबी। दसो एक माजा दसी फसे हैं बिच, की करिए तुहाडे च? नहीं उस तरह जात साडे भी माजा रे। हाँ माजा पंजाबी माजा दे ना। अच्छा तो भाई नदीम छुप छुप के की वेख रहे हो? अच्छा तो फिर चलो, फिर तुसी निकलो, नहीं फिर साडे छप्पे च पवा लेना। हाँ ये तो है, आईडी कार्ड ले, एक ना आईडी कार्ड ले जाओ, साडा कैक्शा ले जाओ, वो पहचान लेंगे, तुहानू चावल मिल जाएंगे। क्यों भाई रमजान गल सही है ना? सही गल है। हाँ जी तैयार है सब? चलो जी सही है। तो बताइए अगर मेरी कैक्षा कैसी लग रही है? मेकअप तो इसने बहुत ओवर करवा लिया हुआ है। चले कोई नहीं, बच्ची है।
किधर मैं चली कम छड़ के सर मेहरबानी ए ते मेहरबानी कर दो मेरे नहीं नहीं तानू खुदा दा वास्ते ए ते मेहरबानी कर दे बच्ची की शादी है वहां जा रहे हैं अल्लाह नेक नसीब करे बच्चे के सब तैयार है माशाल्लाह तो मैंने कहा क्यों ना आज इंसान आदले गुल्ले वाला मजाक वाला फनी एक मिनट का व्लॉग होता है वो बनाए और पंजाबी उर्दू मिक्स व्लॉग हमारा आ रहा है उम्मीद करते हैं कि आपको सराइकी का तड़का भी लगा लो कोई सराइकी का तड़का हला हला नहीं वो तो जंग दी बोल रही है तुम्हारी को चेंज मोड में से वो तो वाली नहीं जेड़े जंग वाले ना जो जंग वाला की जुबान है ना वो पता क्या कहते हैं जो हुण तुसी आए हो ना ते कहदे पहना मोड़ जेड़ा ना रोटी खास तो गड्डी निकल रही सी जे मुड़ तुसी गड्डी ते जांदे तो मुड़ रोटी दे आवे सी उने तुहाडे ते तुसी सोच सो की करना है आगे से बेचारे मेहमान पता क्या कहते हैं जाने इजाजत है जी इजाजत है सर मैंने रोका पहले भी कभी नहीं आज कैसे रोक तो अब लगे अब हम जाने शादी में और हो सके तो हम बाकी वीडियो शेयर करेंगे ना हो सके तो मस्जिद जाएंगे अपने बहन भाइयों के साथ क्योंकि पढ़ाई बच्ची की शादी है और फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसे हम किसी की भी वीडियो जो है ना लीक करें तो अगर यूट्यूबर होते तो फिर तो लाजमी हम शेयर करते बच्चे सबके बराबर होते हैं जी जी अल्लाह हाफिज अल्लाह खैर दे बेड़े पार आ जाओ क्या अच्छा आ जाओ जल्दी से ठीक है पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज देख जो आप देखे वो उधर आए ना शादी पे करा चले फिर चलते हैं आपको लाइटिंग भी दिखाते हैं सारी हाँ जी क्या मजा आ रहा है तो कैक्शा को भी मजा ही आ रहा है ये लाइटिंग सारी की है इधर बच्चे भी खेल रहे हैं सारे और मम्मा जी बैठी है शोर भी बहुत है ना बाजी चावल खा रही है इधर मेरे चावल आ गए हैं और कैक्शा के भी मेरे ख्याल से ये कैक्शा के और कैक्शा और इकरा दोनों खाओ सर्दी लग रही है आपको हाँ जी सर्दी लग रही है अब घर जाने की तैयारी करने लगे चले जी चलते हैं जी अब घर चलते हैं घर जाके देखते हैं फिर सोते हैं क्योंकि रात के एक बज चुके हैं मैं यहीं पे लाला जी को फोन किया वो आ रहे हैं शादी से वो अपना मेहंदी के फंक्शन से जी जी वो आए मेहंदी के फंक्शन से माशाल्लाह अच्छा मेहंदी का फंक्शन हो गया फिर क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी को भी नहीं लिया फंक्शन में अच्छा नहीं लगता ऐसे तो मैंने कहा भी उनसे चादर वगैरह सारी झुलके आनी है इन्हें फोल्ड कर दूँ और उसके बाद इतने भी यहाँ से कपड़े वगैरह उठा लूँ बर्तन उनसे वो धो लेते हैं अब के सुबह धो लूँ बर्तन है ही नहीं तीन चार प्लेटें हैं सारी हाँ इकट्ठे तो करूँ नहीं हाँ इकट्ठे तो सुबह ही धुलेंगे ये वाले कपड़े मैं पहन के देखेंगे कपड़े तो वाकई जबरदस्त पहन के और इन कपड़ों को कितने साल हो गए हैं छह साल चार या पांच नहीं पांच साल चार या पांच साल हो गए तो जब सर्दी आती है उस टाइम कहीं आना जाना होता है ना किसी फंक्शन में फिर मैं पहन लेती हूँ
क्योंकि अदरवाइज घर में तो ये कपड़े पहने नहीं जाते, वैसे तो सब लड़ते हैं, वो कहते हैं पहन लो इनको, फाड़ लो इन कपड़ों को, फाड़ लो। मैं कहती हूँ लेकिन आम तो नहीं पहने जा सकते, क्योंकि आम अगर पहने तो फिर घर का काम नहीं होता, इनसे काम नहीं होता ये कपड़े पहन के ना, फिर मुश्किल से ही काम होता है घर का, जैसे चूल्हा संभालना, घर की सफाई करनी, घर के बर्तन धोने, ये वो सारा। अब चूल्हा वगैरह उठा कर खुद हम ऊपर रखेंगे, और सर दूध भी रखा हुआ है नीचे। ये आपकी कमीज कैसे फट गई है? हाँ सर, कल बेड की वो कील लगी थी, ज्यादा फट गई, थोड़ी ही सी फट गई है। अच्छा जी, सुबह देखिए क्योंकि अब चाय बनाई है, तो फिर क्योंकि खड़े होके नहीं बन रहे हैं सर, चले मैं हाथ भी सेक लूंगी और चाय भी बना के खुद भी पी लूँ, तो खुद हमको भी दे दूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड थी। और आज तो मेरी मेडिसिन भी नहीं है सर जी, नहीं है, नहीं है। तो टाइम भी तकरीबन दिखाती हूँ, दो बजे मुकम्मल दो बज चुके हैं। चले ठीक हो गया, फिर कल सुबह जाएगा। सही है, ठीक है, ठीक है, अब सोते हैं, चलते हैं। ओके ओके, बच्चे तो कैक्षा तो सो गई है, सारे सो गए, कैक्षा ने तो वहीं पे लगाई थी, मुझे नींद आई है, नींद आई है, नींद आई है, बस अब मैं भी, तुम भी सो, चल गए। ओके, मैं जागता हूं। क्यों? मेरा दिल कर रहा है। चल जागते रहे। मादा उन बाबा तंग कर करके सो गया, ये तो हमारे साथ नहीं गया था, ये तो वो कैक्षा वो भी सो गई है। रात का टाइम है, और सर जी मेरी चरपाई तो साथ लगा दें।